हैप्पी डे स्टूडेंट्स, वेलकम टू सान अकेडमी पालीकरनाई। आज हम हिंदी भाषा में जो कक्षा सात, इनके सातवीं कक्षा के व्याकरण के बारे में जानेंगे। व्याकरण में विशेषण क्या होता है? विशेषण को हम अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। हाँ, विशेषण को हम अंग्रेज़ी में एडजेक्टिव कहते हैं। अब हम यहाँ पे विशेषण की परिभाषा को जानेंगे। विशेषण की परिभाषा मीन्स एडजेक्टिव डेफिनेशन। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, संख्या, मात्रा, अवस्था आदि की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यानी कि स्पेशली बताते हैं उसके बारे में, उसे विशेष कहते हैं, जो स्पेशलाइजेशन है। एग्जाम्पल, यहाँ पे आप इस चित्र में देखिए, एक किलो टमाटर। इस चित्र में आप क्या देख सकते हो? एक किलो टमाटर। और इन चित्रों में देखिए, लाल गुलाब। यहाँ पे हम विशेषता क्या बता रहा है? लाल गुलाब, गुलाब है, लेकिन वह कौन सा लाल, यही इसकी स्पेशलिटी है, यही इसकी विशेषता है। दूसरी बोतल। वीर सैनिक, सैनिक तो जानते हो, लेकिन वीर सैनिक, वीर ही इसकी विशेषता है। एक किलो टमाटर, टमाटर तो है लेकिन कितने हैं? एक किलो टमाटर, यही है विशेषता। इस विशेषता से ही हम जानते हैं कि यह विशेषण। अब आप यहाँ पे देखिए, विशेषण के भेद कितने हैं? विशेषण के भेद चार होते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला वाला गुणवाचक विशेषण, दूसरा वाला संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। यह सब विशेषण के भेद हैं। अब हम एक एक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए, पहला वाला क्या है देखेंगे। हाँ, पहला वाला गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण का अर्थ क्या होता है? गुण, यानी कि गुण के बारे में बताता है। आप यहाँ पे इस चित्र में देखिए, क्या दिया गया है? सुंदर बगीचा। यहाँ पे कौन सा गुण बता रहा है? सुंदर, सुंदर ही उसका गुण है, सुंदर बगीचा। मोटा लड़का, लड़का तो है सही, लेकिन वह कैसा है? मोटा। लाल पतंग, हाँ पतंग तो दिया है, कौन सी रंग का है? यह लाल पतंग का, यही इसके गुण होते हैं। यहाँ पे देखिए, स्थान भारतीय, जापानी, ग्रामीण, शहरी, पहाड़ी, रेगिस्तानी आदि, यह सब स्थान का बताता है। स्वभाव, यानी कि शांत, कमज़ोर, बुद्धिमान, गुस्सैल, गंभीर आदि, यह सब हमारे स्वभाव को बताता है। स्थिति, यानी कि गरीब, बीमार, प्रसन्न, खुद, उदास आदि, यह सब हमारी स्थिति को बताता है। चलिए, अब हम देखेंगे अगला विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? संख्या, अगर आप इस शब्द सुनेंगे तो ही पता चलेगा, संख्या।
संख्या को हम क्या कहते हैं? नंबर। हाँ सही है, नंबर। संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्या वाले विशेषण यानी कि 3, 5, 7, 100, 1000 आदि, यह सब क्या है? निश्चित संख्या, इसको निश्चित संख्या कहते हैं। अनिश्चित संख्या यानी कि कुछ, कई, बहुत से आदि, यहाँ पे कितने संख्या होते हैं पता नहीं, इसके लिए यह अनिश्चित संख्या कहा जाता है। अगला, क्रम बताने वाले विशेषण यानी कि यहाँ पे इसका क्रम बताएंगे, यानी कि तीसरे, दसवां, पहला, पांचवा आदि, इस तरह के इसके क्रम बताएंगे, यही संख्यावाचक विशेषण है। अगला, यहाँ पे देखिए परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण यह क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण को कैसे पता लगाएंगे? परिमाण यानी कि मेजरमेंट, परिमाण के शब्द से ही हम जानते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण मीन्स यह बताता है कि मेजरमेंट। यहाँ पे देखिए इस चित्र में क्या दिया गया है? 2 किलो चावल। हाँ चावल तो है सही, लेकिन कितने? 2 किलो चावल, 2 किलो, तो मेजरमेंट कितना हो गया? 2 किलो। अगला, ढेर सा अनाज। ढेर सा अनाज यानी कि यहाँ पे ढेर सा मीन्स बहुत, बहुत सारा अनाज। अगला चित्र देखिए, 3 मीटर कपड़ा। कपड़ा कितने मीटर का? 3 मीटर, यानी कि यहाँ पे कितना संख्या बता रहा है? 3 मीटर कपड़ा। अब यहाँ पे देखिए, जो विशेषण संख्या के माप तौल का बोध कराते हैं, यहाँ पे हम देख सकते ऊपर वाले चित्रों में क्या देखा था, यहाँ पे अलग अलग, कुछ किलो में था, कुछ ढेर सारा था, कुछ 3 मीटर में था, यहाँ इस तरह अलग अलग मापतौल का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कुछ परिमाणवाचक विशेषण इस प्रकार है, मापने के शब्द, कैसे मापेंगे? 2 लीटर, 1 कटोरी, इस तरह 2 लीटर दूध, 3 लीटर दूध, इस तरह बोलेंगे, कटोरी शक्कर, कटोरी चावल, इस तरह। नापने के शब्द यानी कि 4 मीटर, 100 गज, यहाँ पे सिर्फ हम मीटर्स में ही बोल सकते हैं। तौलने के शब्द यानी कि 1 किलो, 100 ग्राम, 10 ग्राम, इस तरह, यह है परिमाणवाचक विशेषण। अगला देखिए, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण यह क्या होता है? जो सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे देखिए पहला वाला चित्र में क्या दिया गया है? वे फल सड़ गए। इनमें से जो फल क्या है? संज्ञा है, फल वाला शब्द संज्ञा है। यहाँ सर्वनाम विशेषण के रूप में है, जो वे क्या होता है? सर्वनाम। अगला चित्र देखिए, यह किताब सुशांत की है। किताब यानी कि बुक। किताब क्या होती है? यह संज्ञा शब्द है, यह एक सर्वनाम है। यहाँ सर्वनाम विशेषण के रूप में है, यह किताब सुशांत की है, यह, यही इसकी विशेषता है। अगला चित्र देखिए, इस लड़के ने शीशा तोड़ा। लड़के, यह लड़के वाला शब्द क्या होता है? संज्ञा। इस, यहाँ सर्वनाम विशेषण के रूप में कौन सा पूछा गया है? इस, इसको ही हम सर्वनाम के रूप में देखते हैं। हाँ बच्चों, विशेषण के बारे में यही जानकारी आज हम प्राप्त कर चुके हैं।
मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को विशेषण अच्छे तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू, फिर मिलेंगे।